हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन जारो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के आज जो है दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी आज की करंट एनर्जीज है। और आपको बस करना इतना है कि आप अपने पार्टनर का ध्यान करें ताकि उनकी रीडिंग्स को हम जो एक्यूरेसीज को हैं हम मैच कर सकें। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिल में इस वक्त उनके लिए क्या चल रहा है। सेवन ऑफ कप्स टावर, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं, एक सेकेंड ना, लाइट ज़्यादा हो गई। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है, इनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स एंड द स्टार। ऑब्स्टिकल क्या है, मेन ऑब्स्टिकल मुझे बताएं। सेवन ओ फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हीरो पेंट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। कुछ लोगों के लिए लिब्रा भी है, स्कॉर्पियो भी है और एक्यूरियस कुंभ राशि भी है। ऑलमोस्ट सारे साइंस ही कवर हो गए। नंबर थ्री और नंबर फोर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके, या आपके बर्थ डेट्स में शामिल हैं कहीं। और कुछ पर्पल कलर का पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, पर्पल कलर है ये, क्योंकि पर्पल कलर मैं अभी बता नहीं सकती हूँ कैसा है, बट काफ़ी देखो ऐसे कलर जैसा है कुछ जो मुझे रिफ्लेक्ट हुआ है। आपके आसपास अगर कुछ है तो ध्यान दो इस कलर का कुछ, क्योंकि मुझे कपड़े जैसा कुछ रिफ्लेक्ट हुआ है। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनके दिल में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट है। पिछले कुछ टाइम से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है आपको लेकर, ये आपके पास वापस आकर चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है, ये बहुत ट्राई कर रहे हैं बट इनकी लाइफ में सिचुएशन इस वक्त बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। स्पेशली इनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही है, इनकी फैमिली लाइफ में सेपरेशन का खतरा चल रहा है। ये व्यक्ति 100% मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं, चांसेस है ये मैरिड है, या ये आप दोनों के मैरिज के सेपरेशन की बात चल रही है, आप दोनों के मैरिज में सेपरेशन हो रही है जो इनको पसंद नहीं आ रही। ऐसा है, या तो आप दोनों मैरिड हो या तो ये व्यक्ति कहीं मैरिड है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं अपने सेपरेशन को लेकर, बहुत ज़्यादा। ये चाहकर भी चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये चाहकर भी चीज़ें संभाल नहीं पा रहे हैं। इस वक्त ये बहुत स्ट्रेस्ड आउट है अपनी लाइफ में, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, मतलब ऐसे ये इतना ध्यान नहीं देते हैं, अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं, मतलब अपना काम वाम रहता है, कभी कभार देख लिया तो देख लिया, बट पिछले कुछ टाइम से ये व्यक्ति आपको ज़्यादा, मतलब पूरे दिन में बार बार चेक करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप खुश हो नहीं हो, आपकी लाइफ में आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। ज़्यादा इनको कुछ पता नहीं चल पाता, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिशें ज़रूर करते हैं आपके बारे में फिगर आउट करने के लिए। इस वक्त ऐसा एक एनर्जी है जहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं बट सक्सेस हो नहीं पा रही है। ये खुद को बहुत ज़्यादा केज में, जैसे एक बोलते हैं ना, घुटन सी महसूस कर रहे हैं, स्टक फील कर रहे हैं, खुद को बंधा हुआ, ऑक्यूपाइड एक ऐसी चीज़ में जहाँ से ये निकल भी नहीं पा रहे, जिस सिचुएशन से ये निकल भी नहीं पा रहे, बहुत तकलीफ़ में है। आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से सो भी नहीं पा रहे हैं, और अगर सो रहे हैं तो हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ को लेकर भी बहुत एग्जॉस्टेड है। अगर सोते भी हैं तो रात को अचानक से उठ जाते हैं, अचानक से इनकी आँख खुल जाती है, अप्रॉक्स 3-4 बजे के अप्रॉक्स मुझे ज़्यादा दिख रहा है। या तो इनको बहुत आपका सपना आता है, कोई ऐसा सपना जो इनको बार बार परेशान कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है इस वक्त वेरी स्ट्रांगली एक ऐसी एनर्जी का एहसास कर रहे हैं जहाँ पर इनको कुछ खोने का डर लग रहा है। इन्हें लग रहा है इनके हाथ से इनका सब कुछ छिन जाएगा, कुछ सब कुछ भी नहीं बचेगा इनके हाथ में, ये खुश नहीं रह पाएंगे, अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह पाएंगे और ये हमेशा से लोनली रह जाएंगे। ऐसी एनर्जी ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर, इनको अकेलेपन का डर और कहीं ना कहीं खौफ खाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति चाहकर भी संतुष्ट नहीं है अपने जीवन में, हैप्पी नहीं फील कर पा रहे हैं।
ये कहीं ना कहीं खुद को बचाव करने के लिए बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते नज़र आ रहे हैं, ये खुद के बचाव के लिए बहुत झूठ बोल रहे हैं, बहुत पैतरेबाजियाँ करते नज़र आ रहे हैं, ये काफ़ी मैन्युपुलेटिव एनर्जी में भी है। ये खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा सफाइयाँ देनी पड़ रही है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देने पड़ रहे हैं, और ये चाहकर भी खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये जितना सफाई देते हैं उतने बुरे बनते हैं। आई कैन सी अ सेपरेशन, चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि आपके पार्टनर मैरिड है। ये अपने लाइफ में सेपरेशन फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जैसे कि ये इस वक्त इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है कि ये बचाना सब कुछ चाहते हैं, ये सब कुछ ठीक रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट उतना ही इनके हाथ से धीरे धीरे सब कुछ फिसल रहा है, और इनको लग रहा है ये इनके साथ कर्मा के वजह से हो रहा है, यानी कि इनके अपने कर्म ऐसे रहे हैं जिसके वजह से अपनी लाइफ में आज इतनी तकलीफ़ और इतना पेन फेस कर रहे हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने खुद कुछ गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से इनके साथ आज जो है भगवान इनको सज़ा दे रहा है। ये अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस एक समय पहले फ़ील करते थे, खुशियाँ फील करते थे, एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ करती थी, वो सब इनकी ज़िंदगी से इस वक्त ख़त्म हो चुका है। मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, मेंटल ट्रॉमाटाइज ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है आए दिन एक नए झगड़े एक नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं इनके अंदर जैसे अब उठने का मन नहीं करता, जीने की इच्छा नहीं रहती, कहीं ना कहीं जान ही नहीं है इनके अंदर। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उस व्यक्ति के दिमागी संतुलन को अगर मैं देखूँ तो दिमाग से तो ये बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, दिमाग से तो ये एक साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। ये अपने आप को बहुत व्यस्त रखते हैं किसी न किसी नई चीज़ों में, या कुछ पढ़ने में या तो कुछ काम करने में। ये इस वक्त आपको अपना पेन नहीं दिखाना चाहते, ये नहीं दिखाना चाहते कि आपसे इफ़ेक्ट हुए हैं या आपसे तकलीफ हुई है या कोई प्रॉब्लम, आप मतलब बोलते ना कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ये आपको दिखाना नहीं चाहते। ये अपना पेन आप अपने मन ही मन छुपाते नज़र आ रहे हैं, ये अपना दर्द नहीं दिखा सकते आपको। ये अंदर से बहुत इमोशनल हैं बट ऊपर से ये दिखाना नहीं चाहते, ये अंदर से लिटरली बैक कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ये चाहते हैं कि आप इनको छोड़ कर ना चाहें, बट ऊपर से इनका प्रटेंड ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है कि ये सेल्फिश बिहेव करते हैं। अंदर ही अंदर मनी मन ये आपसे माफ़ी भी मांगते नज़र आते हैं, ये आपसे माफ़ियाँ मांग रहे हैं, मनी मन ये बहुत माफ़ियाँ मांग रहे हैं, ये अपनी गलतियों का बहुत ज़्यादा अंदर से रियलाइजेशन फील करने लगे हैं पिछले कुछ टाइम से। इन्हें लगता है इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है जो इनको नहीं करना चाहिए था। ये अपनी ईगो के चलते आपसे सॉरी नहीं बोल पा रहे, पर ये अंदर से बहुत सॉरी फील करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी, बहुत ज़्यादा अपसेट होते हुए ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया या जो भी कार्य किया इसके वजह से इनके जीवन में कुछ भी इस वक्त ठीक नहीं है, सब कुछ खराब हो गया है, मेस्ड अप पूरी तरह। ईगो के चलते ही आपको अपनी तकलीफ दिखा नहीं पा रहे, और ये कहीं ना कहीं इमोशनल इस बात से भी है कि इनको ना चाहते हुए भी आपको भी छोड़ना पड़ रहा है, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये मूव ऑन करने से एतराज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि चीज़ें सिचुएशन ठीक हो जाए, आप लोगों की रिलेशनशिप बेटर हो जाए, ये क्योंकि आपके प्यार को तरसते हैं, ये आपसे प्यार चाहते हैं वापस, बट इनकी सिचुएशन भी ऐसी है जिसकी वजह से ये बहुत सॉरी फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, इनको लग रहा है कि जो हुआ वैसा नहीं होना चाहिए था, और इनकी लाइफ में भी जो स्थिति है वो इनके कर्मा से है, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपसे माफ़ी मांगे। ये आपके साथ वापस फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, पर किसी वजह से ये अपने अंदर स्टक एनर्जी फील करते हैं, और चाहकर भी टेम्प्रेरी लेवल पे आप लोग दोनों की बातचीत ख़त्म हुई है। फॉर यू आपको ऐसा लगता है सब कुछ परमानेंट ख़त्म हो चुका है, आपको लग रहा है रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, जो भी आप लोगों के बीच में हुआ उसके बाद ये रिलेशनशिप दोबारा जुड़ेगा नहीं, ऐसा आपका मानना है अंदर से शायद आपको ऐसा लगता है, बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा मुझे नहीं लगता, मुझे लग रहा है टेम्प्रेरी तरीके से ये इस वक्त खुद को सेव कर रहे हैं, ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं और आपके पास नहीं आ रहे, पर ये इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है आने के लिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको वापस अपने जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आज भी क्रेव करते हैं, पर इस वक्त सिचुएशन बहुत ख़राब है। इनके आसपास इनके घर में कोई थर्ड पर्सन है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट, ये आपके मदर इन लॉ भी हो सकते हैं, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है इनके, और इनके बीच में हो सकता है इनकी मैरिज कहीं हुई है, क्योंकि कोई है जिसके अथॉरिटेटिव नेचर के वजह से ये व्यक्ति आपके लिए कोई स्टेप नहीं ले सकते, ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी का बॉसी नेचर है, किसी का मैनिपुलेटिव नेचर है, कोई ऐसा है जो इन्हें मैनिपुलेट बहुत करता है, इमोशनली मैनिपुलेट करता है, जिसके वजह से ये चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते, ये चाहकर भी अपने लिए लड़ नहीं सकते, ये हेल्पलेस हैं, ये बहुत दुखी हैं इस सेपरेशन से, आप लोग दोनों के बीच के डिफरेंसेस से, अपनी लाइफ से, ये अपनी लाइफ से ऐसा लग रहा है जैसे ऊब चुके, इनका बस चले तो ये पता नहीं क्या ही कुछ कर गुजरे, ये अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये हर दिन दुआ करते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ बेटर हो जाए, कुछ बेटर हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए,
ये अपनी लाइफ में बहुत पेन महसूस कर रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा पेन में है, और ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये चाहकर भी उस पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जितना उस पेन को ये भूलना चाहते हैं उतना ही उस पेन में ये और ज़्यादा डूब रहे हैं, और ज़्यादा एंजाइटी, और ज़्यादा डिप्रेशन, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताए नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। हाई प्रिस्टेस, ओके, पेज ऑफ वांड्स, प्लीज क्लारिफाई हाई प्रिस्टेस। आपके पार्टनर कोई ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो दिखते देवी हैं या दुर्गा, ये सॉरी, जो दिखते देवी हैं या देवता, पर वो व्यक्ति है नहीं वैसे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप स्पिरिचुअल होने वाले हैं, आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं, पर स्पिरिचुअल होने वाले का मतलब है आप ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे, और ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा रिसर्च लर्निंग वगैरह में घुसेंगे, और आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी का कंट्रोल है इनके ऊपर, बहुत ज़्यादा कंट्रोल। कोई इनको उठना बैठना सिखा रहा है कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, कोई इनको इमोशनली कंट्रोल कर रहा है, कोई इमोशनली इनको हर्ट फील करा रहा है, कोई बहुत नीचा दिखा रहा है इनको, बहुत गंदा महसूस करवा रहा है कोई इनको, बहुत गिरा हुआ महसूस करवा रहा है कोई इनको। ये कोई आप भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है इनके जीवन में कोई नहीं हो रहा, आप के साथ जो भी हो रहा है जिसके वजह से इतना गिरा हुआ और इतना गंदा महसूस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि ऐसे चांसेस आपके भी हैं कि आप इस हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आने वाले हैं आध्यात्मिक तौर पर, तो आप इनको शायद अवॉइड करेंगे जिसके वजह से ये बहुत गंदा फील करेंगे, क्योंकि इनके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं है। ये अपने रिश्ते को लेकर बहुत दुखी हैं, आपके दोनों के बीच के डिफरेंसेस को लेकर भी बहुत दुखी हैं। डिवाइन मैसेजेस यूनिवर्स, डिवाइन मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को, डिवाइन मैसेजेस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टॉप डाउटिंग ऑन यू एंड योर ऑन योर रिलेशनशिप। अपने आप पे डाउट करना बंद कर दो, खुद को कम समझना बंद कर दो, खुद को हल्के में लेना बंद कर दो, आपके सेल्फ डाउट्स ख़त्म करो, और अपने रिश्तों पे भी, अगर कोई रिश्ता आपको चाहिए तो उसके लिए पॉजिटिव रहने का प्रयास किया करो, कॉन्फिडेंट रहने का प्रयास किया करो। लेकिन कोई रिलेशनशिप आपको टॉक्सिक एनर्जी दे रहा है तो उस रिलेशनशिप के बारे में ना सोचकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस किया करो, खुद को कम समझना बंद करो, खुद को छोटा लेवल मत फील करो, अपने आप को बहुत हायर लेवल की एनर्जी पे लेकर जाओ, खुद को महान समझना शुरू करो, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना शुरू करो। आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे आ सकते हो अगर आप अपने आप के लिए जो सेल्फ डाउट रखते हो वो ख़त्म कर दो, तो अगर आप कॉन्फिडेंट रहो तो आप अपने आप पे कार्य करते रहो। परिवर्तन का समय है, ब्लेसिंग्स आने को है, आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग आ सकती है, बहुत जल्द आपको कोई ब्लेसिंग मिल सकती है, क्योंकि परिवर्तन का समय है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड ऐसा हो सकता है जिसकी सोच भी आपके दिमाग में नहीं थी, कुछ पॉजिटिवली मुझे अच्छा होता हुआ, बेहतर होता हुआ दिखा है, बस आपको उसके वजह से अपने रिश्ते पे, अपने आप पे डाउट करना बंद करना होगा, खुद को कम महसूस करवाना नहीं है, ठीक है। खुद में कॉन्फिडेंट रहते हैं इसी वजह से सामने वाले दूसरे लोग गिल्टी फील करने पे मजबूर होते हैं, और आप शायद चाहते थे कि आपके पार्टनर किसी ना किसी दिन गिल्ट महसूस करें जो उन्होंने आपके साथ किया, जिसके वजह से वो आज वो गिल्टी फील कर रहे हैं। अगर आप इस टाइम पे आप भी इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो जाएंगे तो ये जो एनर्जी है वापस रिवर्स हो जाएगी, इसलिए यूनिवर्स कह रहा है स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग, उम्मीद करती हूँ क्लैरिटी मिली होगी, पसंद आई होगी रीडिंग। रीडिंग पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। पर्सनल रीडिंग बुक करनी है वो चार्जेबल होती है, फ्री नहीं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन पे आपके सामने है, आप जब व्हाट्सअप करते हैं तो आपको पेमेंट के लिए डिटेल्स दी जाती है, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं, स्क्रीनशॉट के बाद आपको अपॉइंटमेंट दिया जाता है, उसके बाद उस अपॉइंटमेंट के दिन पे हमारी तरफ से आपको कॉल जाता है, ठीक है। 40 मिनट्स की कॉल रीडिंग्स है, उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं रहते, ठीक है। जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव है जिनके लिए, वो लाइव चैट में ट्राई कर सकते हैं। सैटरडे जो है मैं लाइव चैट पे आती हूँ, दोनों चैनल्स पे लाइव चैट वगैरह, और ये जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रेसलेट वगैरह के लिए आप अमित सर को कॉन्टैक्ट करें, नंबर उनका रिफ्लेक्ट होता है वीडियो पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।